दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांशा, सभी का स्वागत करता हूं ट्वेल्व के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से जरूर लेकर यहां पे बिटकॉइंस की सारी सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहां पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए यहां पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से लास्ट को रिमाइंड करना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इस कोर्स को सीखने के बाद आप केवल क्रिप्टो में नहीं बल्कि फॉरेक्स में, कमोडिटी में, स्टॉक में, सभी मार्केट में बड़े इसी तरीके से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptofail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा और कोई यहाँ पे एड्रेस नहीं है। बाकी दोस्तों, अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेल या टेलीग्राम कुछ भी यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि बिटकॉइन हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं एंड यहाँ पर जो बिटकॉइन है स्टिल वो अभी भी एक असेंडिंग ट्राइंगल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर श्योरिटी ये मिल रही है कि बहुत ही जल्द जो बिटकॉइन है वो इस वाले ट्राइंगल से बाहर निकलेगा। अप या डाउन के जो सिनारियोज हैं वो हमें आगे चल के पता पड़ जाएंगे जब थोड़ा सा और डेटा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। बट स्टिल जिस तरीके से मार्केट मोमेंटम ले रहा है, चांसेस है कि मार्केट एक बार 12,000 को टच करके वहां से रिजेक्ट हो सकता है, पॉसिबल सिनेरियोज हैं। तो हमें ये चीज देखना होगा कि मार्केट इसको क्या करता है। बाकी बॉटम लाइन हमारे पास 10-11,000 के आसपास की, अगर उसको यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। वॉल्यूम की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई सा मोमेंटम आने वाला है। और अगर अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम आपको देखने को मिलेगा कि कल जो हम लोगों ने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी उसको क्लियरली ब्रेक करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। हालांकि ये वाला जो पंप है इसमें वॉल्यूम आया तो हम कह सकते हैं कि जिनाइन पंप है, बट क्योंकि अभी तक बिटकॉइन ने कोई मोमेंटम नहीं दिया है तो ज़्यादा चांसेस यही बन सकते हैं कि बिटकॉइन इथेरियम को फॉलो करें। और अगर ऐसा होता है तो जो बिटकॉइन का ब्रेकआउट है वो हमें इसी पॉइंट से देखने को मिल सकता है जहाँ पे कि बिटकॉइन आगे जाके 14,000 तक की मार्क को अचीव यहाँ पे कर सकता है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या वो फेक आउट होता है इथेरियम का या फिर नहीं होता है, लेकिन जो चीज़ें वो इसके साथ कॉर्डिनेट होकर यहाँ पर चलने वाली हैं। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे ईएमए रिबन के बारे में, तो जैसे कि मैंने आपको कल भी कहा था कि बिटकॉइन को इसके ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है जो कि हो चुकी है। और फिलहाल के अगर सपोर्ट की बात करें तो 11,600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली वो चीज़ यहाँ पे आ चुकी है। इसके आने का मतलब है कि मार्केट जो है वो प्लान कर रहा है अपसाइड के डायरेक्शन के लिए, क्योंकि जब तक अगर मार्केट उसके नीचे चला गया होता तो फिर यहाँ पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते कि मार्केट डाउन तरफ में यहाँ पे जा सकता था। और अगर आप इसमें इथेरियम जैसी लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप कुछ इस तरीके के एक सिनेरियो में ड्रॉ कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा वैलिड यहाँ पे लग नहीं रहा है, तो अभी हम लोग असेंडिंग ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे चलने वाले हैं। बाकी दोस्तों, अगर मैकडी की बात करी जाए तो मैकडी फिलहाल में बुलिश था जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग सेटअप्स आए हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल में यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग में कमजोरी है, तो लेट्स सी कि हमें कल तक क्या सिनेरियोस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 60 को टच करके वापस से रिजेक्शन मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 60 के ऊपर जब ब्रेक करेगा तभी हम लोग बुल मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब तक उसके नीचे थोड़ा सा दिक्कत रह सकती है। और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये फिलहाल में बीटीसी को रोक रही है ब्रेकआउट लेने से, तो जब भी इसका ब्रेकआउट होता है हम लोगों को एक इमेंसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सीमी फ्यूचर्स के बारे में, तो आज क्योंकि फ्राइडे है तो आज इसकी यहाँ पे जो गैप है वो बंद हो जाएगी, और फिलहाल में यहाँ पर हमें एक छोटी सी गैप देखने को मिल रही है। अगर आप इस पॉइंट पर देखने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा छोटी सी गैप है, तो आई थिंक ये फिल हो सकती है जो $11,705 के आसपास है। तो ये वाली गैप अगर फिल अभी के अभी हो जाएगी, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके बाद तो फिलहाल में नीचे कोई खास गैप नहीं है एक 9,600 को तोड़ के, तो उसको तोड़ने के लिए तो फिर बहुत बड़ा एक प्रेशर चाहिए जो कि अभी फिलहाल तो बिटकॉइन के मार्केट में नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ आ जाता है
तो पॉसिबल सिनारियोज है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा खुला आसमान मिलेगा और हम 14,000 को ही टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल की जो सीएमई कैप है बस वो एक जरा सी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हो तो कि जल्दी यहाँ पे फिल हो जाएगी, क्योंकि स्पॉट पर जो प्राइस है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है। और ये क्योंकि कल बंद हो जाएगा और परसों मतलब मंडे को खुलेगा, तो उसके बाद जो एक नई कैप आएगी उसके लिए भी वेट यहाँ पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की सॉरी बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो फॉलिंग वेज या फिर आप चैनल कह लो उसके नीचे की तरफ ब्रेकआउट करके, और इसके नीचे ब्रेकआउट करने का मतलब है अल्ट्स में पार्टी। आज भी एक बार मुझे कमेंट आया था कि इसका रोल क्या होता है बिटकॉइन डोमिनेंस का, तो बेसिकली जो बिटकॉइन की डोमिनेंस होती है उसका काम ये होता है ये बताने का कि बिटकॉइन के अंदर कितनी ज़्यादा, यानी कि अगर मान लो टोटल मार्केट में 100 रुपया है तो बिटकॉइन में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि डोमिनेंस इस चीज़ को इंक्लूड करती है, फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि डोमिनेंस मतलब बिटकॉइन का आधिपत्य उस जगह पर कितना है या उसका कितना ज़्यादा वहाँ पर वर्चस्व आ रहा है, वही सिंपल सी भाषा में बात करें तो कितना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं डोमिनेंस के ऊपर। जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस है ऐसी अल्ट का भी डोमिनेंस है, जो कि आप अगर यहाँ पे अदर लिखते हो अदर करके तो आपको यहाँ पे डोमिनेंस मिल जाएगा अल्ट्स का, जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इधर देखा था और यहाँ से फिर अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टिल ये बढ़ेगा तो लगभग लगभग 12% तक जाएगा, और 12% जाना मतलब अल्ट्स में पार्टी है। वैसे अगर आपको लाइटकॉइन का देखना तो आप LTC.D लगाओगे, लगभग LTC आएगा यहाँ पर, एक सेकेंड किधर क्या वर्ड ये रहा, LTC.D आपको ये देखो नीचे देखने को मिल जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा आपको लाइटकॉइन का डोमिनेंस मिल जाएगा। तो ऐसे अलग अलग डोमिनेंस हैं सभी चीज़ों के, डोमिनेंस का सिंपल सा मतलब वही है कि कितना पैसा किस जगह पे लग रहा है किस जगह पे नहीं लग रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये यहाँ पे निकलता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं ज़रा इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम ने आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। आई होप आपने इसको ट्रेड करा होगा अगर आप सो नहीं रहे होंगे, क्योंकि नाइट में हुआ था इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग टू, बट स्टिल के अभी भी बुलिश है। और यहाँ पर आपको एक छोटू सा फ्लैग देखने को भी मिल जाएगा लगभग, अगर आप थोड़ी सी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हो यहाँ से 1 आवर के आसपास, तो थोड़ा सा आपको एक रेजिस्टेंस तो देखने को मिल ही रहा है इथेरियम के अंदर। साथ ही साथ पॉसिबल सिनारियो है कि ये इसको एक फ्लैग बना सकता है, और अगर ये फ्लैग बनाता है तो वापस इथेरियम पंप कर सकता है, और इसका जो पोल हाइट है अगर इसके हिसाब से बात करें तो इथेरियम $459 तक हिट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इथेरियम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हो सकता है इस साल के एंड तक हम लोगों को इथेरियम $1,000 के आसपास भी टच होता हुआ मिल सकता है, $800 से 1,000 के बीच में, तो उसको हम धीरे 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 आगे कवर यहाँ पे करते चलेंगे। वॉल्यूम कल अच्छा है तो कोई इशू नहीं है, कोई भी फेक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक और नीचे का वॉल्यूम आ गया तो वापस से प्राइस इनसाइड यहाँ पे आ सकता है, तो थोड़ा सा सेफली यहाँ पे खेलना। मैकडी की बात करें तो मैकडी ठीक ठाक चल रहा है, अभी कोई इतने चेंजेस नहीं, बट हल्का फुल्का करेक्शन आता है तो डेफिनेटली मैकडी थोड़ा सा नीचे मूव करके फिर अपसाइड जा सकता है। RSI की बात करें तो RSI ने 75 के लेवल को टच करा था, और अभी अगर ये वापस नीचे आता है तो लगभग 66 का लेवल है जो कि इसको एक सपोर्ट दे सकता है, नहीं तो फिर 60 का लेवल है जहाँ पे कि हम RSI को देख सकते हैं। अगला दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइटकॉइन, जो कि अपने बेस से बहुत ज़्यादा सुपर पंप हुआ था। जैसे मैंने कहा था कि जब तक ये बेस नहीं तोड़ेगा हमें कोई इशू यहाँ पे नहीं है, और यहाँ से हमें चांसेस मिल सकते हैं कि मार्केट अपर पंप करे। और पहला टारगेट ऑब्वियसली 57 था, हिट हो गया। सेकंड टारगेट 60 के आसपास है, तो इसके लिए ब्रेक करना होगा 57.36 आई थिंक एक राउंड फिगर में निकाल सकते हो। तो ये यहाँ पे ब्रेक होता है तो लगभग $60 तक प्राइस जाके हिट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेन लिंक, जो कि अपना टॉप आउट करेगा, थोड़ा सा नीचे आ रहा है और लगभग एक्सपेक्टेड है 15.5 के आसपास का करेक्शन अगर यहाँ पर आता है तो। इसके बाद देखते हैं कि जो मार्केट है क्या वो अपना ऑल टाइम है लगा चुका है या फिर अभी भी चांसेस हैं और ज़्यादा ग्रोथ के। हालांकि हमारा प्रेडिक्शन अभी भी $20 के आसपास है, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा वेट करके जानना होगा। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन है सुपर। यहां पे आप देख सकते हो कि जो डाउन चैनल था जिसके बारे में हमने बात करी थी कि अगर जैसे ही BNB इसको यहां पे ब्रेक करता है लगभग लगभग BNB यहाँ पे $23.5 को टच करने जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत अच्छी वॉल्यूम के साथ कैंडल्स आई हैं जो कि इसको एक और भी ज़्यादा प्रिटी चीज़ बना देती हैं। और अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी था जिसका ब्रेकआउट अपसाइड में हुआ है, तो आपको अगर कुछ पैटर्न आते हैं उसके हिसाब से आप प्ले कर सकते हो तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जिसने फिलहाल में तो अपनी ट्रेंड लाइन तोड़ दी है, बट ये अभी भी थोड़ा सा नीचे चल रहा था, मैं ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 0.86 का, क्योंकि अगर ये ब्रेक करता है अगर करेक्शन लेगा तो एटलीस्ट मैं 0.78 तक करेक्शन को देख सकता हूं, लेकिन अगर ब्रेक कर जाता है 0.86 के ऊपर तो फिर हम लोग ऊपर $1 तक की रैली को
इन्जॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन है ये है दोस्तों XRPN। कल XRPN ने भी बहुत बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम लिया। हमने बात करी थी कि यहाँ पर हमें एक बुल फ्लैग देखने को मिल रहा है बेसिकली अगर देखा जाए, और यहाँ पर एक डाउनवर्ड चैनल भी था। तो फिलहाल यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट एकदम परफेक्ट वाला नहीं हुआ है। बार बार जो विक्स हैं वो रिजेक्ट कर रही हैं। तो लेट्स सी कि अगर कल तक मार्केट अपसाइड में रहता है तो हैवीली चांसेस बनेंगे कि मार्केट 32 से 34 को टेस्ट यहाँ पे कर सके, और इसके ऊपर का ब्रेकआउट, इसका मतलब कि हम लोग एक अप रैली की तरफ मोमेंटम ले रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है वो है दोस्तों नियो, जिसने अपना जो लेवल था वो ब्रेक करा, और ब्रेक करने का एक नया हाई बनाया है जो कि $15.8 का है। लास्ट हाई $15.4 का था। इस बार थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि जो मार्केट है वो 14.8 के आसपास अगर आता है तो एक अच्छी बाइंग ऐसे लेकर अपसाइड में वापस से मोमेंटम कर सकता है। और इसके वापस से मोमेंटम करने का मतलब है कि ऑनटो भी जाएगा, दोनों लगभग लगभग साथ में यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों EOS, जो कि जंप ऑफ करा है। इसमें हालांकि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट हुआ है, बट इससे यहाँ पे एक छोटू सा फ्लैग क्रिएट हो रहा है, और अगर ये फ्लैग यहाँ पे प्रॉपरली बन जाता है इस तरीके का तो हमें यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ मिल सकता है $3.2, जो कि हमारा एक लास्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल होगा ये वाला। अगर हम $3.3 को ब्रेक कर जाते हैं तो मार्केट ऊपर 3.5 से लेकर लगभग हमारे पास अगला टारगेट $3.8 के बीच में यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों वजीरेक्स कॉइन। जैसा कि हमने एजम्पशन लिया था कि मार्केट ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर वापस आएगा, और वापस यहाँ पर जब मार्केट आता है तो हम लोग एक एंट्री को देख सकते हैं। और कल 15 अगस्त है जब ये लोग अनाउंस करने वाले डीफाई के बारे में कुछ चीज़ें, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हुई तो मार्केट गिर सकता है वजीरेक्स का, लेकिन अगर पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा जंप मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जम्पशन ये लगता है कि मार्केट आपका अच्छा खासा पंप कर सकता है तो यहाँ पर आप पार्ट्स में एंट्री देख सकते हो, बट स्टॉप लॉस लगा के चलना। कुछ भी गड़बड़ हो तो एक छोटे से लॉस में एग्जिट यहाँ पे हो सके। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कॉइन की बात करें तो यह है 200 Tezos, जो कि हाई अभी लगाया था इसने लगभग 4.4 का, उसके बाद से थोड़ा सा साइडवेज में आ गया है। बाकी अगर आप देखने की कोशिश करें तो स्टिल यहाँ पे जो प्राइस है वो इसको होल्ड कर रहा है इस लेवल को, तो हम लोगों को इसके लिए वेट करना होगा क्या एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाता है या फिर क्या फॉर्मेशन करता है। यहां से अगर प्राइस रिवर्ट हो गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट स्टिल बुलिश है, लेकिन अगर मार्केट को यहां पे ब्रेक करना अपने लेवल को तो यहां पर $3.8 का लेवल है, जो कि अगर ब्रेक हो जाता है तो नीचे $3.2 तक क्रैश यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जिसके बारे में हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से जंप ऑफ ले सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो चांसेस हम ले सकते हैं कि मार्केट को एक बार लॉन्ग करा जाए, अच्छी खासी पोजीशन हमें मिलेगी $315 के ऊपर। बट स्टिल यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा जंप ऑफ दिया, जो कि 280 से लेकर लगभग $296 तक हमें मिला है, एंड प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है। तो पॉसिबल सिनेरियो चाहिए कि अगर बिटकॉइन पंप करता है या फिर इथेरियम ऊपर जंप ऑफ करता है तो बिटकॉइन कैश भी उसके साथ ऊपर की तरफ जंप ऑफ करेगा। और स्टिल अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रहा है, जो कि हमारे लिए एक अच्छा ही बात है। वॉल्यूम डिक्लाइन होगा इसका मतलब कि कोई ना कोई सा मोमेंटम बहुत ही जल्द आने वाला है। और बस दोस्तों यही थे सारे के सारे आज के हमारे कॉइन्स जो कि हो चुके हैं। बिटकॉइन के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप देखेंगे बिटकॉइन के जो मोमेंटम से वही ज़्यादातर जो बाकी के कॉइन्स उनके मोमेंटम को डिसाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों आ रही है बिटमैक्स एक्सचेंज की तरफ से। ये वही एक्सचेंज है जो कि 2014 से यहाँ पे करंटली चलता आ रहा है, जिस पर शायद आपने पहली बार आके ट्रेडिंग करी होगी जब आप क्रिप्टो में एंटर करोगे 2017, 18 और 19 के मिड में। तो ये वो लेवल था जहाँ पे कि बिटमैक्स बहुत ज़्यादा लेवल पे था। अब तो बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पे आ गए। अब जो बिटमैक्स है वहाँ पे मूव कर गया है कंपलसरी आईडी चेक सभी कस्टमर्स के लिए। तो अगर आपका अकाउंट अभी भी बिटमैक्स पे है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर आईडी चेक यानी कि आपको अपना KYC करना होगा तरीके से। तो यहां पर आपको अपना आईडी चेक करवाना होगा अगले 6 महीने के अंदर। नहीं कराओगे तो अकाउंट बंद हो जाएगा, करवाते हो तो आपका अकाउंट चलता है यहाँ पर रहेगा। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास जो वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे हो गया, और इसका जो वेरिफिकेशन है वो बाकी एक्सचेंजेस जैसे ही हुआ, जो कि आपका 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप जाके उसको करवा लो अगर आप वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, बट फिर भी करवा के रख लो, कभी कभी एक्सचेंजेस कोई ना कोई काम भी आ जाते हैं। बाकी अगर आपको उसका अल्टरनेटिव चीज़ यहाँ पे आपको कोई अभी KYC नहीं करनी पड़ रही है, तो फिलहाल में जो अल्टरनेटिव है डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के मामले में वो है यहाँ पे Bybit, आप उस पर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है इथेरियम की तरफ से, और जिस तरीके से डीफाई का बूम मार्केट के अंदर चल रहा है उसी तरीके से जो इथेरियम है उसका डीफाई जैसे जैसे ग्रो हो रहा था, इथेरियम की फीस भी ग्रो होती चली गई, और $100 यानी कि 99 यहाँ पे लिखा लेकिन $100 तक फीस यहाँ पे टच कर गई थी। यानी कि अगर आपको एक इथेरियम भेजना है तो आपको $100 पे करने पड़ेंगे इथेरियम को भेजने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6.87 मिलियन कल की कुछ फीस है जो कि गई हुई है यहाँ पर। इथेरियम का ऑल टाइम हाई ये फी लगा है, और सिंथेटिक के जो फाउंडर उन्होंने यही बताया कि अगर इसी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं इथेरियम के अंदर कि फी हाई हो जाए, नेटवर्क स्लो हो जाए, तो डीफाई का जो ग्रोइंग इकोसिस्टम बन रहा है
वो नहीं बन पाएगा और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जब लोगों को फंड ट्रांसफर करना है तो उनको कहीं ना कहीं इथेरियम चाहिए डीफाई में एंट्री लेने के लिए, क्योंकि सारे डीफाई पहले यूनिस्वैप या ऐसे जगह पर आते हैं जो कि शायद आपको बिना इथेरियम के पॉसिबल ही नहीं हो पाए। तो ये चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है, बट यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है इथेरियम की टीम को कि वो इन चीज़ों को फिक्स करें, और ये चीज़ जब तक फिक्स नहीं होंगी तब तक इकोसिस्टम की ग्रोथ पे इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ने वाला है। और यहाँ पे वही चीज़ है कि एक्सपेंसिव हो जाएगा डीफाई और बहुत स्लो हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है। इमेज में भी आप देख सकते हो किस तरीके से जो प्राइजेस सोरअप करके आया, लास्ट टाइम ये करा था कुछ जून के आसपास और उसके बाद से अब जाके यहाँ पे करा है। आई थिंक यहाँ पे ईयर तो नहीं दिया बट जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन इसके साथ एक और खुशखबरी ये है कि जो इथेरियम के ट्रांजैक्शन फीस है वो ड्रॉप हो चुकी है 60% से जैसे ही याम फाइनेंस कॉलेप हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि जो याम फाइनेंस है जो कि गवर्नेंस टोकन था, तो उसके जो ऑनर थे वो बोले कि हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और हम लोग नहीं कर सकते। उसके बाद से याम टोकन $0 की वैल्यू पे चला गया था और इसी के कारण जो एकदम से डीफाई का बूम था जो कि सबसे ज़्यादा याम के ऊपर भी गया हुआ था वो एकदम से क्रैश हुआ, और उसके कारण जो इथेरियम में मतलब आप कह सकते इथेरियम की जो फीस है वो 60% कम हो गई, यानी कि आप कह सकते हो $100 से वो सिर्फ $40 के आसपास आ गई। और बाद में थोड़ी सी जो फी है वो और ज़्यादा सेटल हुई जहाँ पे कि आकर लगभग लगभग $2.5 के आसपास आपको इथेरियम मिल गया, $5 के आसपास ERC20 टोकन और $10 आपको यूनिस्वैप पे देखने को मिला, जो कि कम हुई लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा फीस है। अगर इस तरीके का रहता है तो फिर कोई सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, आप इस वाले ट्वीट में भी यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो इथेरियम के गैस स्टेशन है अगर बात करें तो वो 100 से थोड़ा नीचे तो आए, लेकिन स्टिल जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू जो हमें नॉर्मल फीस देखने को मिलती है एक नॉर्मल टेस पे। बट ठीक है, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आ सकता है इथेरियम 2.0 जो कि इसका एक सॉल्यूशन है। ऑप्टिमाइज रोल आउट है, प्लाज्मा है, पेमेंट चैनल से और साइड चेन से, सारी चीज़ें जैसे ही इथेरियम के ऊपर अप्लाई हो जाती हैं वैसे ही ये जो प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा फीस ऊपर जाते हुए मिल रही है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप ये जल्दी इंप्लीमेंट हो। अगली दूसरी खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है साउथ कोरिया के बैंक्स की तरफ से, और इंडिया में तो अभी तक इस चीज़ का पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन जो बाहर के बैंक्स है जैसे चाइना, साउथ कोरिया, अमेरिका, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो 4 से 5 टॉप के जो बैंक आते हैं साउथ कोरिया के वो अब क्रिप्टो की सर्विसेज यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है वूरी और एक का नाम है सिनहन बैंक, ये दोनों बैंक अब क्रिप्टो की असेट देंगे और आप इन दोनों बैंक की जो असेट है टोटल वो यहाँ पे 1.2 ट्रिलियन की असेट। अब आप समझ सकते हो अगर इसका सिर्फ और सिर्फ 10% एलोकेशन भी बिटकॉइन में जा रहा होगा इनके कस्टमर्स के लिए तो 100 बिलियन के आसपास का जो मार्केट कैप हो जा रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर उस 10% की जगह 1% भी जा रहा है तो भी 10 बिलियन के आसपास इनका जो असेट है यानी कि क्रिप्टो के अंदर पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। और अगर बैंक ये चीज़ डालते हैं तो क्रिप्टो टूंग 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 करके ऊपर बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा मार्केट कैप बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको प्राइजेस में हाइक्स देखने को भी मिलने वाले हैं। और सिर्फ और सिर्फ ये बात मैं कर रहा हूँ साउथ कोरिया के, ऐसा नहीं है, एशिया से भी हमारी कंट्री है जिसका नाम है थाईलैंड, और थाईलैंड की जो सेंट्रल बैंक है वो यहाँ पे आंख लगा के बैठी है डीफाई के ऊपर कि उसका जो यूज़ केसेस है उसको कैसे हम डिजिटल बात जो कि उनकी खुद की नेटिव करेंसी है कंट्री की उसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो थाईलैंड का सेंट्रल बैंक है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डीफाई का बहुत ज़्यादा नाम अभी चल रहा है इसको यहाँ पे सुन रहे हैं जो कि यहाँ पे नेशनल डिजिटल करेंसी के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई चीज़ बोरो करनी है तो डीफाई मॉडल के थ्रू आप कर सकते हो, जिसके पास भी यहाँ पे डिजिटल असेट बैकअप होगा रियल वर्ल्ड के असेट के साथ, जैसे रियल इस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, इन सबसे वहाँ पर कोऑर्डिनेट रहेगा। और जो भी यहाँ पे इशू होने वाला है डिजिटल असेट वो उसी के थ्रू प्लेटफॉर्म पर डीफाई के थ्रू हो जाएगा, जहाँ पे कि आपके कोलेटरल जो लोन रहेंगे वो CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो कि इनकी थाई आते उसमें यहाँ पे होने वाले। तो अब जो बैंक है आई थिंक इंडिया ही थोड़ा पीछे है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज है वो थोड़ी फटाफट इसको लेने में लगी हुई है और इसको और ज़्यादा चीज़ों को खुल के समझ रही है। अगर ऐसी थाईलैंड ये चीज़ कर रहा है तो मेरे हिसाब से एशिया में थाईलैंड आगे जा सकता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, अगर आप में से कोई बैंक वाला पर्सन देख रहा है तो इस चीज़ को डेफिनेटली देखो और अपने हायर अथॉरिटीज़ को सजेस्ट करो, क्योंकि ये बहुत सारे कामों में आपको हेल्प कर सकता है और इस चीज़ को ग्रो करने में भी हेल्प करेगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही कॉइनबेस की तरफ से, और ये न्यूज़ स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि अमेरिका से या फिर USA वाले जो स्टेट है वहाँ से इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉइनबेस है वो ऑफर कर रहा है बिटकॉइन बेस कैश लोन्स जो कि अप टू 20,000 होंगे 17 USA के स्टेट में, यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई पैसा वहाँ पे पड़ा है तो उसका 30% और अप टू $20,000 अब आप कॉइनबेस से लोन ले सकते हो एस क्रिप्टो को यहाँ पे बैकअप या कोलेटरल रखे। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% के आसपास रहेगा और ये जो लोन है ये एक साल से कम के होने वाले हैं, तो अभी इससे ज़्यादा का यहाँ पे नहीं है। बाकी जो 17 स्टेट है वहाँ पे आप USA में देख सकते हैं, अलास्का है, अरकानसा है, कॉन्क्रीट है, फ्लोरिडा है, गॉर्जिया है, इलिनॉइस है,
मर्चिस, अरे यार एक तो इतने खतरनाक नाम होते हैं ना, न्यू हैम्पशायर है, न्यू जर्सी है, नॉर्थ कैरोलिना है, ऑरेगन, टेक्सास, वर्जीनिया, नेब्रास्का, उटाह, विस्कोसिन और व्योमिंग, ये कुछ 17 स्टेट्स हैं जो कि आप देख सकते हो। हालांकि ऑडियंस थोड़ी कम होगी बट फिर भी आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप लेना चाहो तो। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही दोस्तों आ रही है रशिया की तरफ से। रशिया ने दोस्तों एक ऐसा मैकेनिज्म यहाँ पे डेवलप करा है जो कि एआई के ऊपर काम करता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कि एक रोबोटिक दिमाग उसके अंदर है जो कि अब यहाँ पे क्रिप्टो के जो ट्रांजेक्शन है उनको ट्रैक करने वाला है। और ये प्रोटोटाइप जो है वो अब यूज़ करने में आ सकता है। फिलहाल में तो इसकी टेस्टिंग चल रही है जहाँ पे कि बताया जा रहा है कि जैसे ही रशिया में जो 1 जनवरी से शायद जो क्रिप्टो की पॉलिसीज आने वाली है उसमें विल्डामिन पुतिन ही इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे और सारी चीज़ देखेंगे। इसको अलग इसलिए बनाया जा रहा है जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको ट्रैक करा जा सके। और बिटकॉइन के जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बोलूँगा और भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज आ जाती हैं जैसे कि हमें देखने को मिल जाएंगी, डैश है, बिटकॉइन है, बिटकॉइन कैश है, मोनेरो है, ओमनी है, इथेरियम है, इन सारी की सारी जो करेंसीज, अब ये हो गई तो बाकी सारी तो हो ही जाएंगी, जो इन सारी करेंसीज को ट्रैक यहाँ पे करा जाएगा। और इसका जो एक्सेस है वो बैंक ऑफ रशिया के पास होगा जो कि एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनका मोमेंटम जो भी क्रिप्टो करेंसी का उसको ट्रैक करेगा, उसकी कितनी सर्कुलेटिंग कहाँ पे जा रही है, किस तरीके से आ रही है, उस चीज़ को पूरा ट्रैक करेगा। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये चीज़ होती है, मैं मानता हूँ कि इलीगल एक्टिविटीज़ में पैसा जा रहा है, थोड़ा बहुत ही जा रहा है बट जा जरूर रहा है, उसको रोकना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इस तरीके की ट्रैकिंग होगी तो सभी जो यूज़र्स हैं जो कि बिटकॉइन को शायद उसकी प्राइवेसी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एक खतरा यहाँ पे हो सकता है। और एक कंट्री के हाथ में ये प्रोटोटाइप होना उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट में आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।